तुझ से दुनिया मेरी, जरा मेरी बाह में आना, बस मेरे आ दिल में समा प्रीतमा, बस मेरे आ दिल में समा प्रीतमा। सपना की रानी तू दीवानी है सुन ले, बाहों में भर के खुशियों के लम्हे चुन ले, मैं तो बन गई तेरी दीवानी सुन ले, बाहों में भर के खुशियों के लम्हे चुन ले, ये धरती जाने अंबर ये जाने तू मेरी, क्यों दूर मुझसे है पास आना कर देरी, दूर तू न जाना ए अपना तुझको माना, क्यों दूर दूर तू है बाहों में आजा, हे पास मेरे आ दिल में समा जाने जा, पास मेरे आ दिल में समा प्रियतमा। अरमा दिल में तेरे खातिर जागे, क्यों तेरे पीछे पीछे मनवा भागे, दिल में अरमा तेरे खातिर जागे, चलता है ये मन तो आके प्यास बुझा दे, गोरे बदन तीखे नयन है तेरे, छोड़ो शर्म आजा बाहों में मेरे, दूर तू न जाना ए अपना तुझको माना, क्यों दूर दूर तू है बाहों में आजा, पास मेरे आ दिल में समा प्रियतमा, पास मेरे आ दिल में समा प्रियतमा। अरे मन दिल में जागे मन तेरे पीछे भागे, क्यों दूर दूर तू है बाहों में आजा, हे नन्ना नने नर नन ना 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 ना, हे नन्ना रने नर नन नर नन ना ना ना। उस दिन थिएटर में तो बहुत चिल्ला रही थी, प्रेमी जोड़ों को जुदा करने वाले लोग बुरे होते कह रही थी, आज तुमने खुद हम दोनों को जुदा कर दिया, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया, मारा कि नहीं, उस समय तो बहुत प्यार आ रहा था और प्यार में पागल होकर तुम मेरे घर तक पहुंच गई, मेरी माँ और बहनों से दोस्ती कर ली, माँ से कहा मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, ऐसा बर्ताव करके मेरे दिल में तुमने प्यार बढ़ाया ना, बढ़ाया कि नहीं, तुमने मेरे दिल में उम्मीदें बढ़ा दी, लेकिन तुमने धोखा दिया, इसलिए मेरा दिल जल रहा है, तप रहा है, धधक रहा है, ये आग बुझा सकती हो सिर्फ तुम, मैं भी नहीं और ना ही किसी और में मेरे दिल की आग बुझाने की हिम्मत है। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो पांडे और मुझे घर जाने दो, नहीं तो अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार डालो, मेरे अंदर तुम्हारी बातें सुनने की शक्ति नहीं है। नहीं पा रहा क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ।
बहुत प्यार। तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, तुम छोड़ के जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। उधर देखो ना, उन्हीं की बेटी शादी के दिन किसी के साथ भाग गई थी। अरे हाँ दीदी, हमें पता था, उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, पहले से ही दिख रहा था। कैसे संस्कार दिए हैं लड़की को जो वो भाग गई? पता नहीं बहन, कैसी लड़की थी, माँ बाप की इज्जत की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। सुनिए, हम लोग आपका इंटरव्यू लेने आए। तुम लोग? सर नमस्ते। नमस्ते। टीवी से आ रहे हैं, क्यों, किस लिए, कैसे, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए। मेरे से क्या इंटरव्यू लेंगे? आपने अपने बेटे की शादी की, लेकिन शादी के रात ही आपकी बहू यहाँ से भाग गई, क्या वजह होगी बता सकते हैं? उस लड़की ने घर से भाग कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम उसे टीवी पर दिखाओगे? मेरी बहू भाग गई वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, किसी ने प्लान करके किडनैप किया होगा ये लग रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो कि किडनैप किया है? किडनैप करने वाला शादी से पहले भी तो किडनैप कर सकता है, लेकिन शादी के दिन ही क्यों किडनैप किया? क्योंकि उस दिन मेरी बहू ने 30 तोले जेवर पहने हुए थे, जेवर की लालच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। आप वो भागी हुई मंजुला के हस्बैंड हैं? मंजुला भागी ये मैंने नहीं कहा, उसे किसी ने किडनैप किया है। इन हालातों में आपके मन में क्या चल रहा है? मन बहुत दुख रहा है, लेकिन मंजुला के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अरे इस तरह से कैसे पागल की तरह बात कर रहा है, वो किसी और से प्यार करती थी और उसी के हाथ पकड़ के भाग गई उसके साथ, ये तो समझता ही नहीं है। सर वो लवर के साथ भाग गई है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन वो शादी से पहले क्यों नहीं भागी, शादी करके क्यों भागेगी वो बेचारी? सर शादी से पहले भागती तो खाली हाथ भागना पड़ता, लेकिन अब तो 30 तोला सोना लेकर गई है, ये सब उसने पहले से प्लान किया था। सुनिए मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, घर का हर एक आदमी गम में डूबा हुआ है, ये सब टीवी पर दिखाकर हमारी बहू की बेइज्जती मत कराइए। थैंक यू सर, चलो चलते हैं। सर सर सर, कौन है आप लोग, आपको क्या चाहिए? मंजुला का घर यही है। हाँ जी सर, हम एस टीवी से आए हैं, क्यों, कैसे, किस लिए, इस छोटे से प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे सर। शादी के दिन ही आपकी मंजुला भाग गई, ऐसा क्यों? जब उसने भागने का सोचा तो मंजुला ने शादी क्यों की? ये घटना हुई तो कैसे हुई? जिससे शादी हुई उसे मंजुला पसंद नहीं करती थी क्या सर? हे यहाँ से बाहर निकलो, टीवी में दिखाकर मेरी बेटी की बेइज्जती कराओगे क्या? सॉरी सर, आपका अपमान करना या बेइज्जती करना हमारी सोच नहीं है, आइंदा ऐसी घटना समाज में कहीं और ना हो, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सर, अच्छे इरादे से कर रहे हैं। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं हमें कोई भी बात नहीं करनी, अब जाइए यहाँ से। सर मंजुला बहुत अच्छी लड़की है और वो गलती कर ही नहीं सकती, ऐसा उसके फ्रेंड्स कहते हैं, आप क्या कहते हैं सर? मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वो जो करेगी अच्छा ही करेगी। हमारी बेटी हमेशा हमारे बारे में सोचती थी, उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक है जाइए, चलो चलते। अरे दोस्त ये सब प्लानिंग है, इन लोगों को पता चल गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हारे माँ बाप और तुमने जिस घर में शादी की उस घर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रही थी ना तुम, देख लो क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। उस लड़की ने घर से भाग कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और तुम उसे टीवी पर दिखाओगे? मेरी बहू भाग गई वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, किसी ने प्लान करके किडनैप किया होगा ये लग रहा है, क्योंकि उस दिन मेरी बहू ने 30 तोले जेवर पहने हुए थे, जेवर की लालच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया होगा। मंजुला भाग गई है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसे किडनैप किया है। मन तो बहुत दुख रहा है, लेकिन मंजुला के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। शादी से पहले भागती तो खाली हाथ भागना पड़ता, ये सब उसने पहले से प्लान किया था। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं हमें कोई भी बात नहीं करनी, अब जाइए यहाँ से। तुम तो बिना डरे यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, तुमने मुझे किडनैप किया या बात पुलिस को पता चल गई तो तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम सावधान रहो, तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे भरोसे ही जी रही हैं। हाँ हाँ तुम तो बहुत ख्याल करती हो ना मेरा, मैं तुम्हारे दिल के जेल में तो कैद हो ही चुका हूँ, अब बाहर के जेल में कैसे कैद हो पाऊंगा। ए, मैं तुमसे दूर क्यों चली गई जानते हो? मामा लड़के का नाम अशोक है, वो इंजीनियर है,
महीने में 30,000 रुपए कमाता है, अच्छा खानदान है। अगर आप कहें तो मंजुला की शादी वहाँ तय कर दें। मंजुला से एक बार पूछकर ही हम फैसला करेंगे। एक बार मंजुला से पूछ लीजिए, वो क्या हमारी बात नहीं टालेगी, फिर भी उससे एक बार पूछना जरूरी है। मैं समझ गया मामा, आप दोनों ने लव मैरिज करी थी ना, एक लड़की की चाहत क्या होती वो जानना चाहते हैं, तो कोई गलत नहीं, आप लोग मंजुला से पूछ लीजिए। लड़के का नाम अशोक है, महीने में 30,000 कमा रहा है, अगर तुम्हें पसंद हो तो ही शादी तय करेंगे। इसमें तुम्हारी मर्जी जरूरी है, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। सॉरी पापा, मैं आपसे एक बात बताना भूल गई थी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। ठीक है बेटी, तुम उस लड़के को घर पर बुलाओ, हम उससे बात करेंगे, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। दीदी, तुम्हारी बेटी को पसंद कर लिया मेरे बेटे ने, तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है मेरा बेटा, अगर तुम हाँ कर दो तो हम दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। आपकी दूसरी बेटी की शादी हम करा देंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम किस सोच में पड़ गई बहन, तुम्हारी हैंडीकैप बेटी से कौन शादी करेगा, सही फैसला लो। मेरे पास पैसा बहुत है, मेरी बेटी से शादी कोई भी कर लेगा, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ। आप लोगों ने खुद आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा है, लेकिन एक बार मैं अपने बेटे से बात कर लूँ। हाय आंटी। हाय छोटी, हाय चित्रा। मैंने अपने मम्मी पापा से अपने प्यार के बारे में बता दिया और वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं। पापा ने कहा है कि आप मेरे घर आके शादी की बात तय कर लीजिए। अभी चलिए ना आंटी, अभी चलिए। ये सब लोग कौन है, रिश्तेदार है क्या? कोई बात नहीं, इन्हें भी साथ लेके चलते हैं। आप सबको मेरा नमस्ते, मेरा नाम मंजुला है, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, पांडे से मेरी शादी होने वाली है। ओ, तुम पांडे से शादी करने वाली हो? दीदी, मैं चाहता था रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, इसलिए सोच के लड़की का हाथ मांगने आया, अब ये पांडे से शादी करने वाली है तो इस घर में मैं एक मिनट नहीं रुकूंगा, अब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। दीदी, भाई साहब आप मत जाइए, आप मत जाइए भाई साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी से ही शादी करेगा। मैं बात करती हूँ, सुनो, मैं तुम्हें देवी मानकर विनती कर रही हूँ, तुमसे शादी करने के लिए बहुत से लड़के आएंगे, लेकिन तुम्हारे ही जैसी मेरी अपंग लड़की से कौन शादी करेगा? अगर मेरा बेटा इनकी बेटी से शादी करेगा तो ये अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर देंगे, मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। आप रोइए मत आंटी, आप सब लोग खुशी से रहिए, चित्रा को अच्छी जिंदगी मिले, मैं यही चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बेटी से कुछ आप ये बात पांडे को मत बताना आंटी, मैं उससे दूर चली जाऊंगी तो मुझे भूल जाएगा। जरा रुको बेटी, इस लड़की के लिए तुमने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, क्या पांडे इस बात के लिए मानेगा? मैं पांडे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे जितना प्यार करता है अपनी बहनों से भी उतना ही प्यार करता है, वो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है आंटी, जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा क्यों, क्या हुआ बेटी? उससे कुछ मत पूछो मम्मी। मंजुला, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इंसान जिंदगी में अपना पहला प्यार कभी भी नहीं भूलता है। सिर्फ अपने बारे में सोच के उसे पकड़ कर उससे प्यार करना सही नहीं है पापा, उसकी खुशी के बारे में भी तो सोचिए, किसी के लिए त्याग करना उसे भी तो प्यार कहते हैं, और मेरे मन में कोई दुख नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे उस लड़के से शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापा, आप बस मेरी शादी की तैयारी करिए। अब तुम्हें बताओ मैंने क्या गलत किया, उस वक्त जो भी मैंने किया वो अच्छा है या बुरा वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, ये सच है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ बहन सबसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सच है कि तुम्हारी बहन की अच्छी जिंदगी के लिए मैंने अपने ही प्यार का त्याग किया है पांडे, त्याग करना ही प्यार है पांडे, और जरूरत पड़े तो अपने प्यार को भूलना चाहिए, ये किताब में पढ़ा है मैंने, उसका मतलब तुम जानते हो या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। तुमने गलती की मंजुला, गलती की, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था मंजुला। सही हो या गलत हो तुम खुश रहो, तुम
तुम्हारा परिवार खुश रहे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। मेरे परिवार को खुश रखने के लिए तुमने हमारे प्यार को ऐसे खत्म करने की कोशिश की। तुमने धोखा दिया सोच के मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ उठा कर लेकर आया, लेकिन मैं मेरे प्यार के हाथों मजबूर हो गया और मैं तुम्हें मार नहीं पाया। अपने दिल से सच्चे प्यार को मिटा देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। सच्चा प्यार करने वाला कोई भी अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, और मेरे लिए सच्चा प्यार अभी भी तुम्हारे मन में है। मैंने सोचा था अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे और मेरे प्यार को भूल जाओगे पांडे, पर तुम वैसे लड़के नहीं हो। तुम जैसे कुछ प्यार करने वाले प्यार के सामान को बनाए हुए हैं। तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। मेरी चाहतों की हद यार जान तू, मुझे अपना पल पल मान तू, मुझे अपना पल पल मान तू, मुझे अपना पल पल मान तू। ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम। तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। होने न दूंगा जुदा रहूंगा मैं संग सदा, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे। तुझको खुशी ही दूंगा गम न कभी दूंगा, सच कहता हूँ यार समझ ले तू। होने न दूंगा जुदा रहूंगा मैं संग सदा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तुझको खुशी ही दूंगा गम न कभी दूंगा, सच कहता हूँ यार समझ ले तू। प्यार का फसाना है दिल या दीवाना है, कैसे बताऊँ यार समझ न तू। प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम। तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। कल कहे किसे पता साथ तू दे दे मेरा, दुनिया हमारी सवर जाए रे। नगमे सुनाऊंगा प्यार जताऊंगा, पल पल दूंगा तुझको वफा। ओ कल कहे किसे पता साथ तू दे दे मेरा, दुनिया हमारी सवर जाए रे। नगमे सुनाऊंगा प्यार जताऊंगा, पल पल दूंगा तुझको वफा। प्यार का फसाना है दिल या दीवाना है, कैसे बताऊँ समझ न तू। ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम। तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। मेरी चाहतों की हद यार जान तू, मुझे अपना पल पल मान तू, मुझे अपना पल पल मान तू, मुझे अपना पल पल मान तू। ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम। तेरे संग संग वादा निभाना है, तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। कालिया, ये डफर, तुम लोग कैसे आराम से पेपर पढ़ रहे हो? एबी सी डी ई एफ जी एच आई जे, किसने कहा कि पेपर पढ़ना गुनाह है? पेपर पढ़ने से वर्ल्ड नॉलेज डेवलप होती है दोस्त। अबे ताई, पुलिस जाल बिछा के हम लोग को ढूंढ रही है और तुम दोनों को मजाक सोच रहा है?
पांडे से मेरा कोई संबंध नहीं है और तुम लोग कौन हो मैं भी नहीं जानता। तेरी तो खतरे में भी साथ देगा दोस्त, पुलिस आके पकड़े तो भी सीना उठा के खुशी से रहना चाहिए। रुको बे, ए इधर आ, कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। तुम में से कालिया कौन है? ये है। ये कैसा ड्रेस है? गाय बकरी चराने वाले जैसा लग रहा है, हैं? तुम इस टीम के कैप्टन हो? तुम ही चलाते हो ना इस टीम को? साहब ये कौन है, ये कौन है, मैं सच में नहीं जानता साहब। साहब ये पेपर पढ़कर अपनी जनरल नॉलेज डेवलप करने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग दुकान पर बैठे थे साहब। यही बात है साहब। पांडे और मंजुला एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका साथ दिया तुम लोगों ने। अभी मंजुला गायब हो गई है, तुम सब लोगों ने मिलकर उसे किडनैप किया होगा या मार दिया होगा। ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर, आप फालतू में हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ब्लडी प्लीज बैठ प्लीज, ये बात मैं सेंट्रल तक ले जाऊंगा। सेंट्रल जेल पांडे है क्या घर पे? वो तो बाहर गया है साहब। ए, अंदर जाके देखो। यस सर। तुम कौन हो? मैं पांडे की माँ हूँ साहब। शादीशुदा एक लड़की को तुम्हारे बेटे ने किडनैप किया है। मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं कर सकता साहब। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला सर, हटो जरा। घर के अगल बगल में कांस्टेबल तैनात कर दो। ओके सर। पांडे घर के आसपास दिखाई दे उसे अरेस्ट करो। ओके सर। चलो घर चलते हैं। किसके घर? वही घर जिस घर में तुम्हें रहना चाहिए। मैं समझी नहीं। मैं समझ गया तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, जिंदगी के बारे में, और तो और तुमने मुझसे जो प्यार किया वो भी समझ गया। मैं कुछ समझी नहीं पांडे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हिम्मत रखो, चलो मेरे साथ। अगर त्याग ही प्यार है तो मैं भी त्याग कर सकता हूँ। रिलैक्स रहो, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा है तो बेझिझक चलो। तुमने क्या किया बेटा? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही शांत है। रहो माँ, जाओ कहीं, शांत हो जाओ। तुम इससे शादी करूंगा तो तुम्हें और बहनों को छोड़ दूंगा, यही सोचा था ना? मैं वैसा नीच लड़का बिल्कुल नहीं हूँ माँ। पहले तुम यहाँ से निकलो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ यहाँ से। ए, रोक गाड़ी, रोक। अरे रे, छोड़ दीजिए साहब।
अभी वो लोग आ रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सब शांत रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। से माफी मांगना चाहता हूं, मंजुला को मैंने किडनैप किया था। मैं मंजुला से प्यार करता था, वो नहीं मिली इसलिए मुझे गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने मंजुला को किडनैप किया। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, मेरी गलती की वजह से आप सब लोगों को तकलीफ हुई। आप अपना गुस्सा मंजुला पे मत निकालिए, उसे स्वीकार कीजिए प्लीज। ए, ये क्या गाली सुना रहे? एक महीना तूने इसे अपने पास रखा, परिवार की तरह इसको पाला, पोसा, मस्ती की, मजाक किया, और अब तू इसे यहाँ छोड़कर चला जाएगा और हम इसे स्वीकार कर लेंगे? और तेरी हिम्मत तो यहाँ आया, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, रुक जा। तुम्हारे कहने से अभी भी हम इसे अपनी भूल स्वीकार कर ले? इतने बड़े पागल नहीं हम। मंजुला को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी पत्नी है। तुम्हारे बोलने से क्या वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी? तुमने सही कहा दीदी, शादी होकर घर में एक दिन भी रुकी नहीं, दूसरे की पत्नी बन गई और यहाँ से भाग गई। इतनी बेइज्जती के बाद भी हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे? मामा, आप चुप रहिए। कुछ मत बोल तू, इसने उसके साथ दोस्ती की, मस्ती की, मजाक किया, शादी की है, तूने तो सिर्फ उसको मंगलसूत्र पहनाया है। इसने उसके साथ सुहागरात मनाई है और ये इज्जत लुटवा करके हमारे यहाँ आ गई, और तू इसे अपनी पत्नी मान लेगा? हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुनो, आप बीच में मत बोलो। मैं मंजुला को अपनी पत्नी मान लूंगा। अभी भी हम इसे अपनी बहू स्वीकार कर ले? शेफ, ये सोचो तो मंजुला को ये मार भी सकता था, या नशा करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब इसमें इंसानियत है, और इसने हमें मंजुला को सही सलामत सौंप दिया, और मुझे मंजुला पर पूरा भरोसा है। मैंने सिर्फ मंजुला को मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा नहीं होता, बल्कि दो दिलों को मिलाने का एक जरिया होता है। कल्चर है, मान मर्यादा है, हिफाजत है, यही एक पहचान है। इसलिए मंजुला को अपनी पत्नी मानने से मुझे कोई एतराज नहीं। अशोक, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सुभाष बेटा, मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा। मैं अपने मन की बात कह चुका हूँ, अब फैसला मंजुला के हाथ में है। मंजुला, तुम इस घर के अंदर जाओगी या बाहर जाओगी, ये तुम्हारा फैसला है। तुम अपने दिल से पूछो और सही फैसला लो। क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है जी? वो चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, उसे बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जब मेरे बेटे ने बहू को स्वीकार कर लिया, तुम कौन होते हो बोलने वाले? बेवड़े कहीं के।
प्यार करती हूँ ये बात सच है। इसके परिवार के लिए मैंने अपने खुशी और प्यार का त्याग कर दिया था अशोक। और सच में तुमसे शादी होने के बाद मैं घर से नहीं भागी। मैं पांडे से नहीं मिल रही थी इसीलिए इसने मुझे किडनैप कर लिया। ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अपनी जिंदगी इसके साथ जीना चाहती हूँ। सब लोग मुझे माफ कर देना। मंजुला, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। दाद देता हूँ तुम्हारी हिम्मत को। शास्त्र, संप्रदाय और समाज के डर से अपनी जिंदगी को डर से जीने की बजाय अपनी जिंदगी को अपने तरीके से खुश होकर जीना चाहिए। गले में मंगलसूत्र लटकाने से अच्छा है कि आपके प्यार में सच्चाई होनी चाहिए। ये बात तुमने साबित करके दिखा दी है मंजुला। तुम जहां भी रहो खुशी की जिंदगी जियो बेटी। Thank you.